हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमित किसी शादी का ब्लॉग आप लोग देख ही लिए होंगे पूरा। कंटिन्यू मैं डाल ही रही थी वहाँ, मतलब थोड़ा लेट हो जा रहा था शादी का ब्लॉग डालने में, क्योंकि वहाँ से आ गई उसके बाद थोड़ा तो समझ ही सकते शादी घर में कितना बिजी रहते हैं। तो मैं अपने घर आ गई उसके बाद मैं डाल रही थी। तो अभी मैं जा रही हूँ मेला, यहाँ पे वेदव्यास, राउरकेला वेदव्यास में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, क्योंकि क्या शिवरात्रि पूजा का मेला लगता है। तो हम लोग शिवरात्रि पूजा के दिन ही जाने वाले थे, पर उस दिन जा नहीं पाए, तो आज हम लोग जा रहे हैं। तो सारे जन जा रहे हैं, मेरी जेठानी वगैरह लोग भी जा रहे हैं, सब कोई। तो जाते हैं, वहाँ एंजॉय करते हैं। और मेरे हस्बैंड तो झूला झूलते नहीं है, देखिए मुझे झूला झूलने का बहुत ज़्यादा ही शौक है। तो अब देखते हैं किसके साथ जाते हैं। और मेरा गला भी पूरा बैठ गया है, शादी में पता ही है रात वात जगने से क्या होता है, तबीयत खराब है। और आंसू आंसू तक का तबीयत खराब था, आप लोग देखे थे। मैं ज्यादा शादी में एंजॉय भी नहीं कर पाई, तो अभी ये फिलहाल ठीक है और कल से स्कूल जाएगा नवाबू। तो ठीक है गाइज, मेला में मिलते हैं आप लोग से। तो गाइज ये देखिए, हम लोग मेला तो आ गए, पर मेला से पहले हम लोग को मंदिर का दर्शन करना था, क्योंकि पहले मंदिर उसके बाद मेला, क्योंकि मंदिर ही हम लोग स्पेशली आए थे वेदव्यास मंदिर, उसके बाद ही मेला घूमेंगे। तो मन तो बहुत कर रहा था कि इधर ही से चले जाए मेला, बट नहीं, पहले मंदिर जाना था। तो चलिए मंदिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए मंदिर, हम लोग जा रहे हैं, बहुत दिनों के बाद मैं यहाँ पे आ रही हूँ। पहले वैसा मतलब इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ था मंदिर का, बट अभी फ़िलहाल बहुत ही सुंदर बना दिया है, बहुत ज़्यादा डेकोरेट भी कर दिया है, पहले ये सब बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं बस लगता है लगभग 2 साल के बाद गई हूँ और यहाँ आई भी नहीं थी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पहले बहुत बस मंदिर था और कुछ ऐसा डेकोरेशन वगैरह कुछ नहीं था, बट अभी काफ़ी सुंदर कर दिया है। तो देख सकते हो कितना भीड़ था, सब फ़ोटो वोटो ले रहे थे काफ़ी। तो यहाँ से पहले यहाँ हम लोग थोड़ा घूम लिए, उसके बाद मंदिर जाएंगे। तो आंसू बोल रहा था मुझे सामने से दिखा भगवान जी, तो मैं वहीं ले गई। तो ब्लॉग में बने रही है। तो हम लोग मंदिर जाते जाते रास्ते में हम लोग को सरस्वती कुंड मिल गया, और यहाँ पे देखो सामने में ये है, मतलब कुआं टाइप का है जिसमें सिक्का डालते हैं। तो मैं जब सिक्का डाल रही थी तब ये क्लिप नहीं लिए, और मैं गुस्सा हो रही थी तो बोलते कि ठीक है झूठ का कर लो ना, मैं ले लेता हूँ। तो फिर मैं मतलब क्या बोले, कॉमेडी चल रहा था। तो ये देखो वेदव्यास नदी। तो ये देखो अब हम लोग मंदिर आ गए हैं, तो आप लोग भी मंदिर में तो यहाँ का देखो ये फेमस खाजा है, लग नहीं रहा होगा कि आप लोगों को खाजा, ये अजीब टाइप का ही लग रहा था, मैं भी ऐसा खाजा पहली बार ही देखी, तो इसीलिए मैं आप लोगों को भी सोची दिखा दूँ। तो आंसू मेला आते ही उसे झूला चाहिए था, क्योंकि वो झूला के लिए मेला गया ही था। तो बस झूला स्टार्ट, और क्या देखो इसका, बस लाइट वाइट देख के इसका मस्ती का मूड एकदम, बोला कि मेरे को उतरना ही नहीं है, बट इसको बहुत मुश्किल से उतारे हैं हम लोग। तो
तो आंसू तो झूला झूल लिया। आप मेरी बारी, क्योंकि मैं इसे बिजली झूला मैं बोलती हूँ मैं। अब पता नहीं, बहुत सारे लोग बहुत सारे नाम से जानते हैं, बिजली झूला, राम झूला, पता नहीं बहुत सारे नाम है। तो मैं बैठ गई झूला में और अम्मी जी तो झूलते ही नहीं। अगर आप शुरू से मेरा ब्लॉग देखते होंगे, उनको पता होगा कि अम्मी जी को झूला से बहुत डर लगता है। तो मैं मतलब मेरा जेठानी का बेटा है, उसके साथ मैं बैठ गई हूँ। वो भी फर्स्ट टाइम ही इतना बड़ा झूला पे बैठा था, तो उसे भी थोड़ा डर लग रहा था। चेहरा देख के समझ में आ ही रहा होगा कि वो डरा हुआ है। फिर बाद में बोला कि नहीं, मज़ा आ रहा है चाची, तो चलिए। और नीचे से अमित जी मेरा वेट कर रहे थे कब मैं झूला झूल के आऊँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ था लाइन में। तो मैं कम से कम 20 मिनट खड़ी थी। ये देखो नीचे में है, आप लोग को शायद दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखा रही हूँ। नीचे में सारे मतलब जेठानी, अमित जी सबको, ये देखो ग्रीन कलर का टी शर्ट ये दिख रहा होगा। और आंसू वेट कर रहा है, ब्लैक और रेड कलर का पहना है। तो वो देखिए जिठानी भी मेरा ब्लैक साड़ी पहनी, तो आप लोग को दिख रहा होगा। लोग मैं हम लोग का वेट कर रहे हैं। उसके बाद शायद मेरी जिठानी भी बगल वाले झूले में झूलने जाएगी, या कि झूल ली पता नहीं। कितना बड़ा मेला था, मतलब कितना स्पेस था, मतलब बहुत सारा दुकान लगा हुआ था। ये मैं झूला के ऊपर से क्लिप ले रही हूँ। तब हम लोग इधर अलग जगह पे मतलब कुछ अलग अलग टाइप के चीज़ें मिल रही थी। जैसे ये देख लो, देख रहे होगा आप लोग, मतलब गोभी जो पर्पल येलो ये सब मिल रहा था। और बहुत सारी चीज़ें मतलब नए नए टाइप की। और ये मतलब वो ये अलग जगह मेला लगा हुआ था, देख सकते हैं। तो मतलब जो होता है वो जो क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग टाइप की जो चीज़ें होती हैं तो हर जगह अवेलेबल नहीं होती है, वो सब यहाँ पे मिल रही थी। तो यहाँ भी मैं आपको दिखा रही। अगर आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और जो नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो ठीक है गाइस, अब मैं अच्छे अच्छे नए ब्लॉग के साथ फिर से मिलूँगी आप लोग को। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।